हेलो स्टूडेंट्स वेलकम इन अंग्रेजी मीडियम लर्निंग एंड इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द ऑक्सिलरी वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं वो कौन सी होती हैं किस तरीके की वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं एक्चुअली स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं वो हेल्पिंग वर्व के रूप में आ, काम आती हैं हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो ऑक्सिलरी वर्ग कहलाती हैं मगर कहीं कहीं पर किसी किसी सेंटेंस में ये जो हेल्पिंग वर्व है वो प्राइमरी वर्व के रूप में यूज़ होती हैं यानी कि मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ होती हैं तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि कौन सी वर्ब्स जो हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स में आएंगी बी डू और हैव थ्री वर्ब्स आर रिटन हेयर बी डू और हैव अब बी की जो फॉर्म्स होती हैं वो कौन 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 सी होती हैं? बी में आता है am, is, are, was, were, being, been. और 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 में में आता है, do, does, did. Have में आता है है ये सारी चीजें से related होती हैं। अगर हम मॉडल की बात करेंगे तो कैन कुड मे माइट मस्ट और सारी चीजें जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में आती हैं मॉडल्स स्टूडेंट्स आप जानते होंगे कि मॉडल्स कौन से होते हैं ना विल कम ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ द ऑगजरी वर्व ऑक्जरी वर्ब का इम्पोर्टेंस क्या होता है ऑक्जरी वर्ब ऑलवेज हेल्प द मेन वर्ब टू डिस्क्राइब एक्शन ये हमेशा मेन वर्ब की हेल्प करती हैं जैसे कि आई विल गो देर टमोरो तो आई विल गो गो के साथ में विल आया विल तो विल यहाँ पर क्या हो गया एक ऑक्जरी वर्ब हो गई तो मेन वर्ब में हमारा क्या हो गया गो उसकी हेल्प की उसने और डिस्क्राइब एक्शन एक्शन को डिस्क्राइब करने में उसकी हेल्प की दैट एक्शन हैपन इन द पास्ट ये दिखाती हैं कि जो एक्शन है वो पास्ट में हुआ है फ्यूचर में हुआ है होगा या फिर अभी हो रहा है प्रेजेंट में इस तीनों चीज़ों को वो दिखाती हैं यहाँ पर कुछ ऑक्जरी वर्ब दे रखी हैं स्टूडेंट्स जैसे एम आर बी बी एबल टू बीन बीन कैन कुड डेयर ये ऑक्जरी वर्ब है यहाँ पर डू डज गोइंग टू हैड हैड बेटर माइट मस्ट नीड और टू शेल सुड वॉज हैव है टू इज मे विल वुड ये सारी जो है ऑक्जली वर्क के एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम आते हैं ऑक्सरअली वर्क आखिर में आ, इसका जो करेक्ट डेफिनेशन है जो सिंपल सी डेफिनेशन है वो क्या होती है नॉक्सल वर्व दैट चेंजेस और हेल्प्स अनदर बर्व दूसरी बर्ब की जो है हेल्प करती हैं या फिर उसमें चेंज लाती हैं लिस्ट ऑफ ऑक्जरी वर्व में हमने आपको बता रखा है पहले से कि स्टूडेंट्स कौन कौन सी बर्व जो हैं वो मेन बर्व ऑक्जरी बर्व होती हैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले, ले लेते हैं ही हैज डन द वर्क तो ही हैज डन द वर्क तो डन डन यहां पर क्या है मेन वर्ब है डन और हैज अगर लगा दिया तो हैज यहां पर क्या हो गया ऑक्सिलरी वर्ब हो गया यानी कि हेल्पिंग वर्ब हो गया यहां पर डन के साथ हमेशा परफेक्ट टेंस की बात हो रही है तो हैज डन या हैव डन आता और ही है यहां पर सिंगुलर तो हैज आएगा वी विल बी देयर इन अ मिनट तो विल बी देयर तो विल बी का यूज हो गया यहां पर स्टूडेंट्स वुड यू हेल्प मी विद दिस होमवर्क तो वुड यू हेल्प ये किसी से मदद मांग रहा है किसी से हेल्प मांग रहा है या किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्ट में हम वुड को पहले लगाते हैं कैन यू ओपन द डोर कैन यू ओपन द डोर क्या तुम डोर खोल सकते हो यहाँ पर भी जो है एक रिक्वेस्ट हो रही है डिड यू विजिट न्यूयॉर्क लास्ट हॉलीडे तो डिड लगाया है यहाँ पर हमने डिड तो डिड जो है यहाँ पर ऑक्जी वर्ग का एक एग्जाम्पल है डू यू लाइक चॉकलेट्स तो डू यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब का एग्जाम्पल है दे मस्ट गेट देयर ऑन टाइम उन्हों होना ही चाहिए टाइम पर यहाँ पर होना चाहिए टाइम का विशेष ध्यान रखना चाहिए तो ये मस्ट हो गया मस्ट माने नेसेसिटी हो गई ऑब्लिगेशन हो गई यहाँ स्टूडेंट्स मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो कौन कौन सी मेन वर्ब्स होती हैं यहाँ पर मॉडल्स में कैन वुड मस्ट कुड मे माइट शैल शुड यहाँ पर देखिए कैन कुड विल का वुड हो जाएगा मे का माइट हो जाता है मस्ट मस्ट shall का शुड हो जाता है ये यहाँ पर कुछ जो फॉर्म्स होती हैं वो प्रेजेंट के लिए भी होती हैं और और पास्ट के लिए भी होती हैं जैसे कि प्रेजेंट में अगर हम बात करते हैं तो हम कैन लगाते हैं कैन का अगर हम पास्ट टेंस बना देते हैं तो कुड़ लगा देते हैं यहाँ पर बहुत तरीके से मॉडल्स का यूज होता है स्टूडेंट्स जैसे माइट का यूज़ हम देख लेते हैं यहाँ कि माइट मे और मस्ट माइट का यूज एक पॉसिबिलिटी के लिए यूज हुआ है इट माइट रेन टुमारो तो माइट रेन यानी पॉसिबिलिटी है मगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का यूज करेंगे इट मे रेन टमोरो तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहां पर दिखाई गई है इट मे रेन जब हम कोई बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि भाई होगी होगी बारिश तो हम कहते हैं इट मे रेन एन ऑब्लीगेशन मस्ट यू मस्ट वियर ब्लैक पैंट तुम्हें ब्लैक पैंट पहननी चाहिए यानी कि तुम्हें पहननी ही होगी मस्ट है ये तो यहाँ पर ऑब्लीगेशन आ जाता है मस्ट का यूज हम हमेशा इस तरीके से करते हैं सम मॉडल्स कैन बी यूज इन डिफरेंट वेज कुछ मॉडल्स ऐसे भी होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट वेज में यूज होते हैं जैसे कि कैन जैसे कि वुड अब कैन को हम दो तरीके से यूज करते हैं स्टूडेंट जैसे कैन को हम एक तो एबिलिटी के लिए करते हैं जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश बैन कैन स्पीक फ्रेंच आई कैन लिफ्ट द बॉक्स है ना यू कैन डू दिस तो एबिलिटी हो गई अगर हम कहते हैं किसी को uh, किसी से हम परमिशन लेते हैं तो हम इनफॉर्मल में जब हम परमिशन लेते हैं इनफॉर्मल वे में तो हम कैसे करते हैं यू कैन यूज़ माई मार्कर यू कैन ठीक है और हम फॉर्मल में लेते हैं तो हम मे का यूज़ करते हैं इनफॉर्मल में जब हम परमिशन लेते हैं तो हम कैन का यूज़ करते हैं फॉर्मल में अगर हम लेते हैं तो हम मे का यूज करते हैं जैसे कि स्टूडेंट्स आप क्लास के अंदर जब जाते हो तो हम कहते हैं मे आई कम इन तो मे आई कम इन क्या है यानी कि यहाँ फॉर्मल जो है परमिशन की बात हो रही है फॉर्मेलिटी की बात हो रही है यहाँ पर फॉर्मल परमिशन है हम क्लास में जाने के लिए बोल रहे हैं मे आई सेट मे आई एंटर मे आई हैव दिस नोटबुक ये फॉर्मल फॉर्मेलिटी जहां पर होती है वुड का यूज करते हैं स्टूडेंट वुड जो है पास टेंस ऑफ विल होता है विल की पास टेंस को हम वुड कहते हैं तो डैड सेड ही वुड बाय मी न्यू शूज तो डैड सेड डैड ने कहा था कहा कि ही वुड बाई वो खरीदेंगे यानी कि यहाँ पर जो खरीदेंगे है मगर ये पास्ट टेंस में यूज़ हो रहा है डेड सेड यहाँ पर हम नरेशन की बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वुड का यूज हो जाएगा यहाँ पर रिपीटेटिव एक्शन इन द पास रिपीटेटिव एक्शन में भी यूज होता है जैसे कि वेन माई कज़न लिव्ड इन कॉल दे जो है यहाँ पर वी वुड विजिट दान एवरी विंटर ये यहाँ पर वी वुड विजिट देन एवरी विंटर हम वहाँ पर जाया करते थे तो इस तरीके से जो हम लगाएंगे इसमें तो यहाँ पर रिपीटिव एक्शन हो गया तो यहाँ हम वुड का यूज़ करेंगे कंडीशनल मूड कंडीशनल सेंटेंसेस या इफ़ का यूज़ होता है जहाँ तो वहाँ पर हम लगाते हैं वुड को इफ़ आई हैड एनफ मनी तो क्या अगर मेरे पास धन होता इन बहुत सारा धन होता बहुत सारा पैसा होता तो आई वुड वाई अ ड्रम सेट मैं जरूर एक ड्रम सेट खरीदता ठीक है तो यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंसेज में भी हम वुड का यूज करते हैं तो वुड का यूज स्टूडेंट्स समझ में आया आपको कैन का यूज समझ में आया आपको माइट मे और मस्ट का यूज यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा आई होप दैट यू अंडरस्टूड द ऑगजलरी वर्क वेरी वेल यू कैन सॉल्व द एक्सरसाइजेज filling the blanks and uh, pick out the auxiliary were according to the tenses uh, i hope uh, you understood these all the things uh, properly so uh, please uh, subscribe my channel to get more videos like my videos and uh, comment on my videos also please press the uh, bell icon subscribe my channel thank you